भाई अब तक हमने आपको कई सरपंचों से मिलवाया होगा, भविष्य के सरपंचों से मिलवाया होगा, लेकिन आज जो है एक ऐसे सरपंच से मिलवाने जा रहे हैं जो दिखने में तो छोटी लग रही हैं, जो भविष्य के सरपंच है, लेकिन इनकी आशाएं बड़ी हैं, इनके विचार बड़े हैं और इन्होंने जो है बड़े काम करने के लिए ठान ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहन गुड्डी का, जो कि गांव कुलेरी में है और पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं। और गांव गुआड़ ने तो पहले से ही माला बना दी है भाई, देख लीजिए, मतलब जीत के लिए पहले से ही हार बना दिया है, भाई ये जीत आपकी पक्की है, उसके लिए पहले से गांव वाले इनकी सपोर्ट में उतरे हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इन छोटे से सरपंच से, भविष्य के सरपंच से, होने वाले सरपंच कह सकते हैं, भाई भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये बन सकते हैं सरपंच, और अगर आप गांव वालों ने चाहा तो ये बन सकते हैं सरपंच। तो पहले इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है और किस तरीके से इन्होंने विचार किया, आखिर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं गांव के अंदर, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। तो बहन गुड्डी को नमस्कार भाई। सभी को नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया। इतनी छोटी सी उम्र में सरपंच बनने का सोच लिया, कमाल है भाई, कैसे विचार आया? आज तक कभी हुआ नहीं था, तो मैंने कोशिश कर ली कि मैं ऐसा काम करूं गांव के लिए, गांव की भलाई के लिए करना चाहती हूं। हमारे गांव में बहुत सी समस्या है, उनको ठीक करना चाहती हूं। पानी की समस्या है, लड़कियों की समस्या है, लाइब्रेरी खुलवानी है मेरे को लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, और जो हमारे स्कूल में है टीचर्स की बहुत कमी है। मैं उनको मतलब कि सरकार की तरफ से या फिर गांव की तरफ से बच्चों को टीचर्स की सुविधा करना चाहती हूँ गांव में। इतनी सारी चीजें आपने रट ली, कमाल है भाई, इतनी सारी याद कैसे रही आपको ये बताओ, कमाल है भाई। इतना गांव में, यानी आप इसका मतलब गांव में अच्छे से जुड़े हुए हो, गांव की हर गली हर मोहल्ले हर घर से वाकिफ हो। हाँ, घर में जाके ये समस्या हमने पहले पूछी है, किसको क्या समस्या है उनका हमने नोट किया है, उसके बारे में हमने मतलब ये बात करके हमने लिखी है, अभी गांव में क्या क्या समस्या है उसके लिए। और हमारे गांव में बहुत से बच्चे खिलाड़ी हैं अलग अलग के, उनके लिए कोई संविधा नहीं है उनके घर। मैंने सुना है कि गांव के अब जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, 6 खड़े हैं, 8 खड़े हैं, उनमें 8ों में सबसे छोटी उम्र में आप हो, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा एक्टिव, कह रहे हैं कि भाई काफी बुद्धि लगा रहे हैं, गांव की हर जगह गए हैं, गांव की मुआयना किया है, हर समस्या को सुना है, ये क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है, और मैं चाहती हूँ कि सभी मेरे को सपोर्ट करें, मैं उनके सहयोग के लिए जो वो चाहेंगे उनके लिए सबके लिए काम करूं। और जो मेरे भाई हैं वो भी गांव के लिए हमेशा 12-13 साल से काम करते आए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ मिलकर उनका उनके मैं सहयोग करूं। और अब की बार गुड्डी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देख लेते हैं माताएं यहाँ खड़ी है, के लग गया ताई का गुड्डी ने जिता होगा के? हाँ। माँ हो आप, हमारी तो ताई लग गए। गुड्डी देवी जय, गुड्डी देवी जय। अच्छा, पूरा पूरा आशीर्वाद, पूरा जोर ला रखे है, खूब जोर ला के जिताओ, पूरा जोर ला रखे, गांव राम को पूरा सपोर्ट है, कोनी खूब खूब है, सब खूब दे रखे, बात है ठेके का होगा, पूरा सपोर्ट है गांव राम, पूरा सपोर्ट है गांव राम, सारो गेल्ला इधर है, गेल्ला जी, हम के को गुड्डी का गेल्ला है गांव राम, गेल्ला जी गुड्डी, हां गुड्डी ने जिताओ। अच्छा, थारी बेटी सरपंच बन जाओ लाग रही है, अगर भविष्य की सरपंच बन जाती है कितनी खुशी होगी तने? हमने बहुत खुशी होगी गांव से, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी गांव से। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, एक गांव है, अपने ही सारा परिवार है, हम सब सबसे खुश रहेंगे। चलिए, बिल्कुल गांव को अपना ही गांव अपना परिवार बता रहे हैं इनकी माता जी, इनका कहना है ये सारा गांव जो है वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, और उसके लिए काम करने का विचार किया है। देखिए, अब तक आपने कई सरपंच प्रत्याशी देखे होंगे, लेकिन आज एक पहले ऐसे सरपंच प्रत्याशी से मुलाकात करवा रहा हूँ कि छोटी उम्र में बड़ा काम करने का जज्बा इनके अंदर है, दूसरी बात एक गरीब परिवार से और जो है इस तरीके से एक ऊपर उठ करके समाज का उत्थान करने के लिए आगे बढ़ रही है। इनके पिताजी के बारे में बता देता हूँ, कहा जाता है कि इनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं, इनके भाई जो हैं वो समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, समाज के लिए काफी काम किए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने लाइब्रेरी के लिए भी काफी प्रयास किए थे, वो भी काम उन्होंने करवाया था। तो भाई एक छोटी सी उम्र में समाज के लिए काफी कुछ काम करने का जज्बा लिए बैठी है ये बेटी गुड्डी और हमारी बहन गुड्डी, और ये गुड्डी जो है कुलेरी गांव के लिए सरपंच के रूप में जो है यहाँ खड़ी है, एक आने वाले सरपंच के रूप में, क्योंकि ये इनका कहना है और तमाम गांव वालों का कहना है कि ये पूरा सम्मान पूरा मान सम्मान गांव का इनके साथ है और इनको मिल रहा है। तो चलिए इनके भाई से बात कर लेते हैं। जी अमरदीप जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ये बताएं कितना प्यार और आशीर्वाद गांव का मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
अभी अगर गांव में घूमे हैं तो सभी से आशीर्वाद मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये कि गांव की एक युवा लड़की अभी शिक्षित उम्मीदवार उनके सामने है। लास्ट टाइम से देख के तो वही था कि कोई आठवीं पास है, कोई दसवीं पास है, अभी ये पहली है जो ग्रेजुएट अभी खड़ी हुई है। अच्छा, ग्रेजुएशन पास है, बाकी सभी शायद कम है। भाई ये तो देखिए, अगर विकास करना होता है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी होती है गांव के विकास के लिए, गांव के काम करने के लिए। तो अगर ये बेटी, एक ये बहन जो है वो अगर बीए पास है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, आपको पता है ग्रेजुएशन का स्तर जो है वो सोचने समझने का और काम करने का तरीका जो है उसका काफी अच्छा हो जाता है और हर समस्या को अच्छे से कर पाता है। क्या भी आप ये भी मानते हैं कि एक जो शिक्षा का स्तर है, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो अच्छे से काम कर पाएगा? मानते हैं? हाँ बिल्कुल है। ये तो अभी गांव, अभी मैं दसवीं तक पास होता तो मैं दसवीं तक की बता सकता था, अभी ये ग्रेजुएशन पास है तो ये ग्रेजुएशन तक की सारी प्रॉब्लम ये बता सकती है हमें। जैसे मैं खुद अभी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, तो मेरे को पता है कि नेट क्वालिफाई मैं नेट क्वालिफाई हूँ खुद अभी, और नेट क्वालिफाई होने के बाद मेरे को ये पता है कि नेट क्वालिफाई होने तक मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम मैं बता सकता हूँ। और जो मेरे साथ में कोई और है जो नेट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है और इसकी ये समस्या ऐसे सॉल्व हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़े लिखा इंसान जो है वो वाकई में विकास करवा सकता है। इसीलिए सरकार ने भी जो है कम से कम ये कहा कि कम से कम भी आठवीं दसवीं तो कम से कम पास हो, जो सरपंच है जो समस्याएं सुने कम से कम वो इतना तो हो। लेकिन अगर वो सरपंच अगर बीए पास हो तो फिर कहना ही क्या। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा का स्तर इन्होंने उठाने का प्रयास किया कि और भी समाज का उठे और हमने भी इतना पढ़ लिख करके आगे बैठे। ये बताएं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जिस तरीके से आपकी बहन है वो ग्रेजुएशन है और आप जो है, कहा जा रहा है कि आपके पिताजी शायद ऑटो चलाते हैं, हाँ। एक गरीब परिवार से हैं, तो क्या लगता है कि एक गरीब परिवार इस तरीके से चुनाव को जीत पाएगा क्या? भाईचारे का चुनाव जो आपका रहता है उसमें किस तरीके से क्या दूसरे एक गरीब परिवार आगे निकलना, एक कितना बड़ा चैलेंज होता है? चैलेंज तो है ही, जैसे अभी पता ही सभी को पैसे की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। गांव में इतना मिलना जुलना कम होता है, अगर आप ये छोटे सदर पे हैं तो गांव में मिलना जुलना बहुत ही कम होता है। अभी गांव का ये ऐसा नया चेहरा है, मैं खुद भी एक नया चेहरा हूँ, गांव वाले इतना नहीं जानते थे, लेकिन अभी मैदान में है तो सभी जाने लग रहे हैं। और दूसरा, पहले गांव इतना नहीं जानता था, हम इतने साल से ये कार्य कर रहे हैं, पिछले 12 साल से गौ सेवा कार्य है, गांव में लाइब्रेरी का कार्य है, पेड़ पौधे लगाने का कार्य है। लाइब्रेरी कैसे, लाइब्रेरी का क्या? अभी 2017 में हमने गांव से 90,000 रुपए इकट्ठे किए थे और हमने यहाँ पे अपना एक बूढ़ा आश्रम है वहाँ पे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। वो लाइब्रेरी 6 महीने चली, उसके बाद में कोई किसी कारणवश वो बंद कर दी गई, और अभी दोबारा वो अंबेडकर भवन में अभी गांव में चल रही है। वहाँ पे कम से कम भी अभी 30 से 35 बच्चे फ्री में शिक्षा पा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। ऐसी सुविधा उसमें 1,000 रुपए दे के आपको सुविधा नहीं मिलेगी, वो उस लाइब्रेरी में भी फ्री में मिल रही है, एसी तक लगा हुआ उस लाइब्रेरी। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि अमरदीप जी ने और तमाम कुछ और युवाओं ने मिलकर के, ग्रामीणों ने मिलकर के एक लाइब्रेरी का प्रण लिया और लाइब्रेरी बनाई, जो कि गांव के लिए, गांव के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल बन सकती है और पढ़ाई करके गांव के ग्रामीण जो है या युवा है वो आगे बढ़ सकते हैं। सर ये बताएं, अगर आपकी बहन सरपंच बन जाती है तो आप क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारे गांव में अभी प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है गांव में। 95% तक के ऐसी प्रॉब्लम हमारी पथरी हुई पड़ी है सभी को। सबसे पहले पानी की समस्या, उसको ठीक करवाना है। दूसरी समस्या हमारे गांव में शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। स्कूलों में अभी 120-130 बच्चे हैं और एक ही टीचर है वहाँ पे, तो कमी है टीचरों की, वो ग्राम पंचायत फंड से पूरी हो सकती है अगर सरपंच वहाँ पे सक्रिय हो। तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे गांव से ही जितने युवा शिक्षित है उनको रोजगार भी मिलेगा और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोनों स्कूलों से सर्वे किया है, उसके बाद जो पता लगा है कि शिक्षकों की बहुत ही ज्यादा कमी है वहाँ पे। अभी 3 दिन पहले एक टीचर का फोन आया था, तो हमने गांव से 2 युवाओं को वहाँ पे अभी फ्री में पढ़ाने के लिए बोला है, ताकि कम से कम वे अगर हम यहाँ पे सरपंच बनते हैं 25 तारीख तक, तो हम उनको ग्राम पंचायत फंड से कुछ ना कुछ उनका सहयोग करवाएंगे अभी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, पूरा विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तमाम युवाओं का साथ कहा जा रहा है कि इनको मिल रहा है, तमाम युवा जो है उनके लिए काम करने की बात कर रहे हैं। पूरा इनका कहना है कि पूरे गांव राम का साथ जो हमें मिल रहा है और पूरे भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि तमाम ग्रामीण जितने भी हैं वो हमारा परिवार है, जैसे इनकी माता जी ने बताया कि ये सारा हमारा परिवार है, हम सब ग्रामीण जो है वो एक परिवार की तरह है और उसी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। और एक ऐसी समाज से होते हुए किस तरीके से एक विचारधारा, एक ऊंची विचारधारा रख करके समाज का भला करने के लिए चल रहे हैं, एक इस तरीके से जो है बहन गुड्डी जो है वो निकली हुई है। और देख सकते हैं तमाम महिलाएं आसपास की, गांव ग्रामीण की जो है वो इनके साथ में सपोर्ट में है। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। सुनील भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं, गौ सेवक भी हैं और
गुड्डी जी को और अमरदीप जी को अच्छे से जानते भी होंगे, सर क्या कुछ कहेंगे गुड्डी जी के बारे में? ये कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी तक हमारे गांव के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन सभी में पहली बात तो गांव की बेटी है, दूसरी बात ये है कि इनको बहुत ही आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है गांव का, क्योंकि ये पढ़ी लिखी भी है और गांव के लिए कुछ नया भी करना चाहती है। अच्छा, पढ़ी लिखी है, गांव के लिए कुछ करना चाहती है और गांव की ही बेटी है और गांव की सबसे छोटी उम्र की बेटी जो जिसे पूरी समझ भी है और जो कुछ करने के लिए आगे निकल रही है, क्या कुछ कहेंगे? और जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे अलग और हटके क्या कुछ है और क्या कुछ विचार है आप लोगों का जो गांव के लिए सोचा है? हमारा ये विचार है कि हम युवाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं और गांव में युवा संवाद कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया था जिसमें गांव की कुछ मुख्य समस्याएं हमारे सामने निकल करके आई, तो उन समस्याओं पर हम कार्य करना चाहते हैं। जैसे कि बात करें कि हम स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि गांव में आयुर्वेदिक केंद्र बना हुआ है लेकिन वहां पर रेगुलर डॉक्टर नहीं है और वहां पर एक योग शिक्षक नियुक्त है लेकिन गांव वालों को जागरूकता नहीं है, उसकी वजह से वो वहां पर पहुंच नहीं पाते, उनका इलाज नहीं ले पाते, कि सरकार की ओर से जो निःशुल्क सेवाएं दी जाती है उन पर वो कार्य नहीं हो पा रहा, हम उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर तक तमाम सरकार की योजनाएं पहुंचाने की बात कही जा रही है और इसीलिए यहां पर एक कार्यक्रम भी हुआ और यहां पर गांव के अंदर मोहल्ले में गली में जो है ग्रामीणों ने इनका अच्छा जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद रही। केला गताइए, बेटी गुड्डी ठीक कर रही है? जीतेगी के? हाँ जीतेगी, पक्की जीतेगी, पूरे सपोर्ट में हो? हाँ पूरे, हाँ ठीक है, कहो पूरे सपोर्ट में हो गए? हाँ पूरे सपोर्ट में। अच्छा पूरी जगह सपोर्ट में? हाँ पूरी सपोर्ट में। गुड्डी देवी, गुड्डी देवी, गुड्डी देवी, गुड्डी देवी, गुड्डी देवी, गुड्डी देवी। मेरे ख्याल में इनकी आने वाले सरपंच की कुछ बहनें या सहेलियां भी हैं। गुड्डी देवी जीतेगी। आपकी बहन है या सैली है ये बताओ? मेरी बहन है। बहन है और सैली भी है? सैली है नहीं, तो बहन है। अच्छा सैली आपकी है? नहीं, सबकी बहन है। अच्छा चलिए, हौसला बुलंद है और बुलंद हौसले से आगे बढ़ते हुए ग्रामीण इनका कहना है कि गुड्डी देवी जो है वो जीतेगी। जीतने के लिए अग्रसर है, इनका कहना है कि गुड्डी देवी अगर जीतती है तो समाज के लिए, गांव के लिए काफी अच्छा काम वो कर सकती हैं और तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम वो करेगी। और अब जिस तरीके से अच्छा स्वागत, यहां जोरदार स्वागत उनका हुआ और कहा जा रहा है कि कुलेरी गांव की इस बेटी ने महज 26 साल की उम्र में जो है चुनाव लड़ करके और सबसे छोटी उम्र में यहाँ पर गांव की, हालांकि और भी जो प्रत्याशी है उनमें सबसे छोटी उम्र में है और काफी जानकारी जो है वो लिए हुए हैं। तो यहाँ कुछ और ग्रामीण कुछ बोलना चाह रहे हो बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आपका क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे गुड्डी के बारे? दो तीन जगह प्रोग्राम लड्डू तोलन का भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत वोट देने लग रहे है, बहुत सहयोग देने लग रहे है, जो समस्या है वह दूर करेगी गाँव की। धन्यवाद जी। चलिए अब तक हमने और सरपंच दिखाए लेकिन सबसे छोटी उम्र की और महज छोटी, नाम भी गुड्डी है और देखने में भी गुड्डी जैसी लग रही है। देखिए एक गुड़िया, देखिए देखिए नाम भी गुड्डी और देखने में भी गुड्डी जैसी लग रही है, बिल्कुल देख लीजिए, एक गुड़िया होती है ना गुड़िया, वैसी गुड़िया लग रही है। अब ये गुड़िया क्या करते दिखाएगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन पूरी सपोर्ट के साथ जो है ग्रामीण के साथ है। वीडियो को शेयर कीजिए।